देखे इनका देखना यह देखे इनका रुख होते हैं। तो हम यही कहेंगे अब तो हम इतना कहना चाहेंगे पवित्र सबको चाहिए, गलत किसी को नहीं चाहिए। जिसके ऊपर देख ले भैया अवतारित आदमी ही हो, अगर कोई माई के लाल हाथ ऐसे कर देवे तो ओकरा हम 5000 रुपया भी तुरंत देबो, कोई से न हो तो ओकरा लगे हाथ तोड़ देबो तब ऐसे हो तो जहाँ हाथ धराएंगे वो गिर जाएंगे। अजीब बात है। जिस तरह की भोजपुरी में अभी विवाद चल रहे हैं काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव के प्रति, और कहने के हमारे साथ हैं समीर चौधरी जी, आज बात करते हैं सारी मुद्दे पे। अभी भोजपुरी में लगातार पहले से भी विवाद चलते हैं और अभी भी फिर काजल रघवानी जो एक्ट्रेस हैं वो विवाद कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पे कि हमारे साथ ये किए वो किए, क्या बोलिएगा आप? नहीं कहाँ थे आप प्रभु, आप तो बहुत लेट से पहुंचे हैं। जब समीर चौधरी काजल रघवानी का पुतला बना के जब उसको भद्दी भद्दी गालियां दिया हमने, उसका जब हमने भांडा को जो है फोड़ दिया दुनिया के नजर में, लोग काजल रघवानी काजल रघवानी वही भैया जब बने गए लोल हीरोइन आ जाके करे लग लो लेबलाइटिस। अरे भैया आपको अगर मान लीजिए कि आप आए हैं काम करने तो आप दो पैसा कमाइएगा ना, आप लेबलाइटिस नहीं ना कीजिएगा। और खेसारी लाल के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि वो ब्याहल आदमी है, शादीशुदा है। आपका ब्याह होल है? नहीं। गथाइल मौगी मिलेगा तो ब्याह कीजिएगा? देखिए देखिए भाई पवित्र खोजी तो भैया तो सब खोजता है। वो हम हो गए चाहे बुढ़ाओ हम, देखो इधर आवा ना हो, देखिए इनका देखना यह देखे इनका रुख होते हैं। तो हम यही कहेंगे अब तो हम इतना कहना चाहेंगे पवित्र सबको चाहिए, गलत किसी को नहीं चाहिए। तो जिस तरह से आज के डेट में ये खेसारी लाल को मैंने जिस तरह से टीपा टिप्पणी कर रही थी खेसारी लाल ने आगे बढ़ेल को ओकर बाद भी, लेकिन हमको आज बहुत खुशी हो रहा है और मतलब बहुत कितना खुशी हो रहा है हम जान नहीं सकते हैं। जिस तरह से हम इसका पुतला बना के हम बोले कि तुम बयानबाजी बंद करो, बंद करो बयानबाजी, नहीं तो तुम्हारा पुतला जला देंगे ना, तो तुम गिरेगी धराम सुन। और गिरा भी है बहुत लोग, आप देखे होंगे समीर चौधरी जिसके ऊपर देख ले भैया अवतारित आदमी ही हो, अगर कोई माई के लाल हाथ ऐसे कर देवे तो ओकरा हम 5000 रुपया भी तुरंत देबो, कोई से न हो तो ओकरा लगे हाथ तोड़ देबो तब ऐसे हो तो जहाँ हाथ धराएंगे वो गिर जाएंगे। अजीब बात है। वो जितना लोग है तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम निस्वार्थ मन से समाज के लिए लड़ते हैं। इसका भांडा फूट गया, एक ब्याह होल है, एक दूल्हा हो भैया बिजनेसमैन, ये कहो कि पवन सिंह से चुमा चुमी वाला कोई बात हले ना, कौन बात था? नहीं नहीं वो फिल्म के लिए कि पवन सिंह पिक्चर फिल्म है, तो समीर चौधरी एक भांडा फोड़ दिया कि 1.5 लाख रुपया लेकर चुमा दी थी। अच्छा यहाँ पे बात सब चीज जानने के बाद सुबह सुबह ये लाइव आती है और लाइव आके पीछे हो जाती है कि देखिए हमारे विषय में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं ये है वो है, तो अब मैं नहीं आऊंगी इंटरव्यू नहीं दूंगी। तू दे भी गए भैंसी, तू समझे समीर चौधरी हम ही हो, मारू ऐसा ढूंसी ना कहाँ फेंकते तुरा नजर नहीं तू, यहाँ भाई लिट्टी से मार के तुरा गिट्टी फोड़ दू माथा के साला, इटली फांसा ढोसा है यार। अच्छा भैया आप काजल रघवानी के विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव कई वीडियो में भी बोले हैं कि काजल रघवानी को वाइफ बनाएंगे और उन्हें भी झांसा दिए हैं, 2 साल संबंध में भी रहे, क्या बोलिए? खेसारी लाल किसको बोला है कि हम ब्याह करेंगे? काजल रघवानी के वीडियो में भी है, प्रूफ भी है। आपको बोला है? नहीं वीडियो में बोले। अरे भैया बोले हैं फिल्म के काम हो गए बोल दे चल गए, इतना से खेसारी लाल ब्याह किया शूटिंग में। हम एक के बात कहना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से ये बोलती है ना, देखो इसी के बाद से आप समीर चौधरी बात निकाला, ये क्या बोलती है कि खेसारी लाल के बीवी बच्चा नहीं चाहता उसको, यही ना, तो खेसारी लाल केकड़ा रख ले, एक मैया के मौसी के रख ले, तो अपना पत्नी ओकर पत्नी के रख ले, अपन अपन बाप मतारी के रख ले हैं, अपन भाई के रख ले हैं समाज के लिए, सही बात है। तो इसका अपने बतवा से ही झूठा पकड़ा जा रही है, इसको लगा ना कि नहीं नहीं अब तो मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब ये बैक हो गई है, अन्यथा तो समीर चौधरी एक बाई छोड़ा देता। अगर ये बैक नहीं होती ना हम पहुंच रहते गुजरात, हम अब पहुंच जाते तो एक भैया मैया बाबू सब एक हो जाता। लेकिन अब बाइक हो गई है, आप बोल रही है कि आप वाइट नहीं देंगे? न दे वाइट, बढ़िया हो जो फिल्म। अच्छा क्या लगता है कि भोजपुरी में एक्ट्रेस को अगर काम मिलते हैं तो क्या बेड उड शेयर करना पड़ता है क्या स्टार के साथ, क्या मानते हैं इस चीजों को? 100% है। क्यों 100% है? मान लीजिए कि आप आए हैं, आप अभी माइक लिए हुए हैं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, आप कहिए कि ना भैया हमारा फॉर्च्यूनर लेना है लीजिएगा, चाहे भैया चोरी डकैती कीजिएगा, यही ना होता है? मैंने ढेर पैसा कहाँ से आएगा, गलत करके आएगा, ईमानदारी से तो पैसा नहीं आ सकता है, ईमानदारी से आप दो रोटी खाइएगा और परिवार को खुश रखिएगा, यही है, ये समीर चौधरी का कहना है। तो जिस तरह इंडस्ट्री में कुछ मॉडल आती है भैया राता राते हमारा हीरोइन बनना चाहे दुबई जाना है तो जो टंगरी चिहार ले भैया बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर के सामने कंपनी वाला के सामने, या फिर हमको भैया खेसारी जी के साथ काम कराइए ना तो हम लोंगहर भी जाएंगे, तो लोंगहर जाओ। तो ऐसे कलाकार भरे हुए हैं जो कि राता राती ऊपर जाना चाहते हैं, जिस तरह से समीर चौधरी बताया ना कि राता राती कोई अगर अमीर बनना चाहता है तो वही रास्ता अपनाते हैं लोग।
अब इसमें क्या कहा जाए? खेसारी लाल यादव तो हैं, लेकिन काजल रघवानी को आप कब से पहचानने लगे? खेसारी लाल के फिल्मों से या फिर उससे पहले जानते? अरे भैया ये सब जखनी सब ये सबको ये भी नहीं पता होगा ना कि पवन सिंह का कांच कसैली कैसेट आया था। कांच कसैली जानते हैं आप? बिल्कुल। पहला कैसेट आया था पवन सिंह का, उसके बाद हाय रे ठलाली गाना सुने हैं केकर था छोटू छलिया के, इस सब गाना जाके देखिएगा तो हम अपने वो कैरेक्टर दिखा देंगे हम यहाँ काम कर रहे हैं इसमें। तो समीर चौधरी आज से नहीं है, ये खेसारी लाल जब सानिया मिर्जा का गाना गा के हार्डिंग पार्क में शूटिंग करके जब जेल गए ना तब से समीर चौधरी खड़ा है। ये सब क्या बतियाएगी हमारा साहब का मुड़ी मछुआ टोली गए हाँ हम ही अब समीर चौधरी। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, बहुत सारे मीडिया लोग हैं भैया, क्या जो काजल रघवानी क्या कुछ करे जो उनका विरोध करना छोड़ दी? हो गया अच्छा, हम विरोध नहीं कर रहे भाई, हमको बहुत खुशी हुआ काजल जी, अब आप इसी तरह बैक रहिए और उलुड़ बुलुड़ मत कीजिएगा। जेकरा कहला पे जो राड़ी के कहला पे आप कर रहे थे ओकरा तो अपने दुनिया गारी देता है कि बाप भाई कमाओ बेटी के कमाए भड़ुआ हो तो ये हो तो वो, तो समीर चौधरी के सामने उड़ो मत, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग कहाँ हैं, हाई प्रोफाइल के आप लोग क्या हैं, नहीं बड़े बड़े होटल में आप लोग कहाँ कहाँ लोंघरते पोंघरते यह सब हम जानते हैं। ठीक है अच्छा, काजल रघवानी बोलती है कि जो जो लड़की भी काम करते हैं खेसारी लाल यादव के साथ वो संबंध बना लेते हैं किसी तरह लालच में बाबू सोना करके। ऐसा कुछ नहीं, ये सब फेक है, अपने फेक है तो बैक हो गई, फेक है तो नहीं बैक हो गई, अगर सही रहता तो ये काहे डट के लड़ती, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया लगा हमारे साथ अभी एक्ट्रेस समीर चौधरी से, बाकी क्या सोचते वीडियो के माध्यम से, लव यू ऑल द बेस्ट।